सलमान खान की आने वाली फिल्म करेगी 1000 करोड़ क्लब में एंट्री। साउथ के सुपरस्टार रामचरण और जानवी कपूर की नई मूवी का अनाउंसमेंट। पुष्पा 2 के ट्रेलर के साथ ही मेकर्स ने फिल्म का प्रमोशन कैंपेन शुरू कर दिया है। इसी सीरीज में वो जल्दी फिल्म का पहला गाना किसिक रिलीज करने वाले हैं। ये एक डांस नंबर होगा जिसमें श्रीलीला अल्लू अर्जुन के साथ नजर आएंगी। किसिक गाना 24 नवम्बर को रिलीज होगा। सलमान ने अपनी आने वाली फिल्म को 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री दिखाने के लिए एक नया प्लान बनाया है, जिसके तहत सलमान की टीम होली और ईद के दोनों गाने सिकंदर मूवी में डालेगी, क्योंकि मार्च में ईद और होली दोनों ही होते हैं, जिससे पब्लिक फिल्म के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सके और इसका फायदा फिल्म को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। साउथ के सुपरस्टार रामचरण और जानवी कपूर पेना फेम बुच्ची बाबू सना की आने वाली फिल्म में काम कर रहे हैं। फिलहाल जानवी और राम दोनों ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दिया है, ना शूटिंग शुरू हुई है। इन दोनों के अलावा जगपति बाबू भी इस फिल्म में अहम भूमिका में नजर आएंगे। आपको बता दें, फिल्म की शूटिंग अगले हफ्ते मैसूर में शुरू होगी। सलमान खान की साल 1919 में आई फिल्म भी नंबर 1 सिनेमाघरों में आ चुकी है। दिग्गज ने फिल्म को बड़े ही धूमधाम से दोबारा रिलीज किया है। पिछले कुछ समय में कई पुरानी हिंदी फिल्में सिनेमाघरों में दोबारा से रिलीज हुई है। इन्होंने अच्छा बिजनेस भी किया है, जैसे लैला मजनू, करण अर्जुन, तुम्बाड़ और रॉकस्टार, और ज्यादातर फिल्मों ने अपने ओरिजिनल प्रिंट में ही रिलीज किया। नाना पाटेकर की फिल्म वनवास रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म की टीम ने फिल्म का प्रमोशन भी शुरू कर दिया है। हाल ही में नाना पाटेकर और अनिल कपूर का एक इंटरव्यू आया था, जिसमें अनिल उनके फिल्मों और उनके सफर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। बातचीत के दौरान नाना ने एनिमल का भी जिक्र किया। उन्होंने पहले फिल्म नहीं देखना चाहते थे, फिर मेरे दोस्तों ने कहा तब मैं जाकर एनिमल देखी। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 साल की सबसे बड़ी फिल्म है, लेकिन रिलीज से महज 15 दिन पहले कल की 2898 और देवरा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो पर इस फिल्म के लिए लोगों ने 8 लाख टिकट की बुकिंग की है। सलार की रिलीज से 10 दिन पहले 8 लाख लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था, वहीं कल की रिलीज से 4 दिन पहले ये आंकड़ा छू लिया था। वही हाउसफुल फ्रेंचाइजी अपने 5वें पार्ट के साथ वापसी करने वाली है। फिल्म हाउसफुल 5 को हिट करने के लिए सारी टीम पूरी तरीके से लगी हुई है। वहीं हाउसफुल फ्रेंचाइजी को 14 साल पूरे हो जाएंगे और यहाँ पर जश्न मनाने के लिए तैयार है। अब टीम ने गाना शूट किया है, जिसमें 1000 लोगों से ज्यादा बैकग्राउंड डांसर नजर आएंगे और इस गाने में पूरी कास्ट होगी और इस गाने को कोरियोग्राफी बहुत अच्छी तरीके से किया गया। तो आपको हमारा संडे टाइम्स कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और बॉलीवुड टचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।